आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं एबीसी का ही कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपने क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, तो आज अपने इस क्वेश्चन को नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं और देखते हैं कि सुपर फूड लिमिटेड मैनुफैक्चर 3 टाइप ऑफ बिस्कुट्स ए बी एंड सी इन फुल्ली मशीन फैक्ट्री। द कंपनी हैज द फॉलोइंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड विशेस टू शिफ्ट टू ए बी सी बेस्ट कॉस्टिंग एंड देयर फॉर विशेस टू हैव द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंटेड अंडर बोथ द सिस्टम फॉर द मंथ। तो एक कंपनी है सुपर फूड लिमिटेड जो 3 तरह का बिस्कुट बनाता है ए बी एंड सी, और वो जो पहले से मेथड फॉलो कर रहा था कन्वेंशनल मेथड का, और लेकिन अब वो चाहता है कि ए बी सी मेथड में वो शिफ्ट करे, और दोनों का जो डेटा है कन्वेंशनल का और ए बी सी का ये नीचे दिया हुआ है। तो अपना जो यहाँ पे जो है सबसे पहले इंस्पेक्शन कॉस्ट है पर मंथ 73,000 का, और वैसे ही मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है 1,42,000 का पर मंथ। मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है पर मंथ 1,42,000 का। वैसे डाई कॉस्ट है 10,250 का एंड सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट है 1,62,000। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्पेक्शन मशीन रिपेयर मेंटेनेंस और डाई कॉस्ट जो है प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट हो जाएगा, और नीचे का जो है सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट होगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे डेटा दिया हुआ है और प्राइम कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 12 रुपया, ए के लिए 9 रुपया, सी के लिए 8 रुपया। प्राइम कॉस्ट जो बेसिकली होता है वो रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को ऐड करते तो अपने प्राइम कॉस्ट पाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट का दिया हुआ है ए बी एंड सी का। वैसे ग्रॉस प्रोडक्शन दिया हुआ है पर प्रोडक्शन रन, मतलब एक प्रोडक्शन रन में जो ग्रॉस प्रोडक्शन होगा 2,520 यूनिट ए का और 2,810 यूनिट बी का और 3,010 यूनिट सी का। वैसे ही नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक प्रोडक्शन रन अगर करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट हो जाता है ए का 20, बी का 10 और सी का 10। वैसे इंस्पेक्शन नंबर ऑफ आवर एंड प्रोडक्शन ऑब्लिक प्रोडक्शन रन, तो एक प्रोडक्शन रन में जो इंस्पेक्शन का आवर लगता है ए के लिए 3 आवर्स और बी के लिए 4 आवर्स, सी के लिए 4 आवर्स लगता है। वैसे डाई पर प्रोडक्शन रन लगता है, एक प्रोडक्शन रन में डाई कॉस्ट लगता है 200 रुपये का ए के लिए और बी के लिए 300 रुपये का और सी के लिए 250 रुपये का। वैसे नंबर ऑफ मशीन पर प्रोडक्शन रन कितना लगता है, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, तो एक प्रोडक्शन रन को चलाने के लिए 20 आवर्स का लगता है ए के लिए, बी के लिए 12 आवर्स का लगता है, सी के लिए 30 आवर्स का लगता है। वैसे ही सेल्स नंबर ऑफ यूनिट पर मंथ, एक मंथ में अपने कितना सेल यूनिट करेंगे, तो 25,000 यूनिट ए के लिए और बी के लिए 56,000 यूनिट, सी के लिए 27,000 यूनिट का। उसके बाद अगर अपने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नीचे रीड करते हैं, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, नो एक्युमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री इज कंसिडर्ड, ऑल गुड्स यूनिट आर प्रोड्यूस्ड एंड सेल्स। तो स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक में कुछ भी नहीं रहता, जितना भी यूनिट बनता है वो सेल हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 में बोला है ऑल मैनुफैक्चरिंग एंड सेलिंग ओवरहेड आर कन्वेंशनली एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सोल्ड। तो ऑल मैनुफैक्चरिंग सेलिंग ओवरहेड कौन सा था ना जो यहाँ पे था, जैसे ओवरहेड का प्रोडक्शन ओवरहेड का ये था, ये तीनों कॉस्ट, और वैसे सेलिंग ओवरहेड, तो ये जो टोटल कॉस्ट है ये अपने कन्वेंशनल कॉस्टिंग में कैसे एलोकेट करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे। तो जितना नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड था उसको बेसिस मान करके ये अपने एलोकेट कर देंगे तीनों प्रोडक्ट के लिए ए बी एंड सी के लिए। जब अपने क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ऐसे ही पॉइंट नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ए नीड्स नो एडवर्टाइजमेंट, तो ए में कोई एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट नहीं लगेगा, ड्यू टू इंट्रेटिव वैल्यू इट इज रेडली कंज्यूम्ड बाय डायबिटीज पेशेंट ऑफ हॉस्पिटल, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंक्लूडेड इन टोटल सेलिंग ओवरहेड 83,000। तो ए में कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं लगता है, तो मतलब बी एंड सी में लगता है, और ये जो 83,000 है ये सेलिंग ओवरहेड है उसमें इंक्लूडेड है। तो ये वाला जो सेलिंग ओवरहेड है 1,62,000 में, उसमें 83,000 जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है बी एंड सी में इनकर होगा वो इंक्लूडेड है। वैसे पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं तो प्रोडक्ट बी नीड्स टू बी स्पेशली पैक्ड बिफोर बींग सोल्ड सो दैट इट मीट्स कॉम्पिटिशन। 54,000 वॉज
द अमाउंट स्पेंड फॉर द मंथ इज स्पेशली पैकिंग ऑफ बी। इसमें बेसिकली बोलना चाह रहा है कि प्रोडक्ट बी के लिए 54,000 का खर्चा लग रहा है पैकिंग से रिलेटेड, ठीक है, एंड दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन द टोटल सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट। तो वही जो अपना अभी देखे थे अपने टोटल सेलिंग ओवरहेड, ये जो 162,000 का था इसमें भी जो है 54,000 का बी का कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो 162,000 में ये और ये दोनों इंक्लूडेड है, उसके बाद जो बचेगा वो सेलिंग ओवरहेड आएगा। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट रीड करते हैं कि प्रेजेंट फॉलोइंग प्रेजेंट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अंडर द कन्वेंशनल एंड एबीसी सिस्टम एंड अकॉर्डिंगली रैंक द प्रोडक्ट। तो वही बोलना चाह रहा है कि दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है जो कन्वेंशनल सिस्टम वाला और एबीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उसको रैंक करना है प्रॉफिट के बेसिस पे। तो जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर जो सॉल्यूशन है उसको देखने वाले हैं। तो अपना जो ये कन्वेंशनल सिस्टम है उसमें उसका प्रॉफिट निकालते हैं अपने सबसे पहले। तो अपने यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट जो सोल्ड था, जितना भी बन रहा था उतना बेच रहे थे अपने। तो ए का बन रहा था 25,000, बी का 56,000 और सी का 27,000, टोटल 108,000 का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स यहाँ पे दिया हुआ था तीनों का, वो अपने लिख दिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों को अगर सेल करते तो ग्रॉस मार्जिन मेरा इतना आ जाएगा, ए के लिए 147,600 और बी के लिए 278,200 और सी के लिए 107,280, टोटल मिला के 533,080 रुपये का, ठीक है। तो अब अपने देखने वाले हैं कि ग्रॉस मार्जिन कैसे आया है। तो ग्रॉस मार्जिन का जो सॉल्यूशन स्टेटमेंट है यहाँ पे बनाया हुआ है क्वेश्चन सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में 18 रुपये, 14 रुपये, 12 रुपये, कि आप देख सकते हैं 18, 14, 12 रुपये का। तो मेरा सेल्स वैल्यू आ गया टोटल, ठीक है, और इसमें प्राइम कॉस्ट अगर अपने माइनस कर देते तो मेरा ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट भी पर यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है 12,908, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो प्राइम कॉस्ट है ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से इनटू नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी अपने प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें डिफेक्टिव यूनिट भी था। तो ये जो सेल्स है ये सिर्फ अच्छे यूनिट का सेल्स है, ठीक है, ये डिफेक्टिव वाले नहीं है। तो जो सेल्स यूनिट होगा, मतलब सॉरी, जो अपना प्राइम कॉस्ट जिसके साथ इंटू होगा वो जो यूनिट होगा ये 25,000 से ज़्यादा होगा और ये 56,000, 27,000 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब अपने बना रहे थे तो वो उसमें डिफेक्टिव निकल रहा था और डिफेक्टिव हटा के उसमें सेल कर रहे थे अपने। तो आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ ग्रॉस यूनिट कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट पर रन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 2,520 रुपये का ग्रॉस यूनिट जो था 2,810, सॉरी रुपया नहीं था, 2,520 यूनिट, 2,810 यूनिट और 3,010 यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रोडक्शन वाला जो था तीनों का दिया हुआ था। तो यहाँ पे जैसा कि प्राइम कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है और नंबर ऑफ यूनिट पर प्रोडक्शन रन दिया हुआ है मेरा, जैसे ग्रॉस प्रोडक्शन पर रन। तो अगर नंबर ऑफ रन भी निकाल लेते हैं इन तीनों का इंटू कर देते हैं तो मेरा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा फिर मेरा। तो आप लोगों को समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्राइम कॉस्ट कैसे आया है। तो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन रन पर रन और इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। तो मेन अपने को यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, वो कैसे निकलेगा। तो अपने इस वर्किंग को देखते हैं कि ग्रॉस प्रोडक्शन पर रन कितना यूनिट था, ए के लिए 2,520, बी के लिए 2,810, सी के लिए 3,010 का था। और नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट पर प्रोडक्शन रन यहाँ पे था कितना, 20, 10 और 10। वैसे तो नंबर ऑफ गुड यूनिट कितना हो जाएगा, ग्रॉस में से डिफेक्टिव वाला घटा देंगे तो मेरा गुड यूनिट आ जाएगा, ठीक है, 2,500, 2,800, 3,000 ए बी सी के लिए। तो और अपने जो ग्रॉस सेल्स था जो सेल यूनिट कर रहे थे तो 25,000, 56,000 और 27,000 था, तो वो डिफेक्टिव हटा करके अपने सेल कर रहे थे, ठीक है, तो वो तो गुड यूनिट हो जाएगा। तो जो एक प्रोडक्शन रन में गुड यूनिट बन रहा था 2,500 और टोटल सेल हो रहा था कितना 25,000, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन हो जाएगा कि टोटल सेल्स यूनिट डिवाइड बाय पर प्रोडक्शन रन। तो 25,000 डिवाइड बाय 2,500, तो 10 नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। वैसे ही बी के लिए निकाल लेंगे 56,000 डिवाइड बाय 2,820 प्रोडक्शन रन। वैसे ही सी के लिए निकाल लेंगे अपने 27,000 डिवाइड बाय 3,000, तो 9 प्रोडक्शन रन आ जाएगा। तो मेरा जो ग्रॉस प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, तो एक प्रोडक्शन रन में कितना यूनिट था 2,520 जो सबसे पहले वन में लिखा हुआ है, इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन फाइव में जो है 10, तो 2,520 इंटू 10 तो 25,200 आ जाएगा, ठीक है,
ग्रॉस प्रोडक्शन पॉइंट नंबर 6 में ए के लिए, वैसे बी के लिए, वैसे सी के लिए 27,090 आ जाएगा। तो ये वाला जो अपना था कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे लेके आ गए अपने प्राइम कॉस्ट। तो टोटल सेल प्राइस में प्राइम कॉस्ट माइनस कर दिए तो ये मेरा ग्रॉस मार्जिन आ गया। ठीक है, तो यही अपने जब कन्वेंशनल का सीट बनाए थे, कन्वेंशनल मेथड से जो प्रॉफिट निकाल रहे थे उसमें मेरा ग्रॉस मार्जिन जो अभी कैलकुलेट किए थे ये मेरा आ गया 147,601 के लिए, और 278,200 बी के लिए, और 107,280 सी के लिए। ठीक है, तो अपने जो प्रोडक्शन ओवरहेड जब अपने क्वेश्चन रीड कर रहे थे तो हमने बताया था कि जो वो तीन कॉस्ट था वो प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड का अलग था। ठीक है, और ये जो बेसिस के कैसे बेसिस पे एलोकेट किए थे अपने, तो नंबर ऑफ यूनिट जो सोल्ड हुआ था उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो प्रोडक्शन ये ओवरहेड है स्टार्टिंग का तीन, जैसे यहाँ पे 73,000, 142,000 और यहाँ पे 10,000, इन तीनों को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ सेल्स यूनिट के बेसिस पे एलोकेट कर देंगे तो मेरा ये आ जाएगा फिगर 52,141 ए के लिए आएगा, और बी के लिए 116,797 और सी के लिए 56,313 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेट होगा नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे एलोकेट होगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के बेसिस पे एलोकेट होगा। वैसे सेलिंग ओवरहेड भी जो है कन्वेंशनल मेथड में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के बेसिस पे एलोकेट होगा, तो 162,000 का जो था वो नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे अपने एलोकेट कर दिए, तो 37,500 ए के लिए, बी के लिए 84,000 और सी के लिए 40,500 आ गया, टोटल 162,000 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा सब टोटल आ गया ओवरहेड का, प्रोडक्शन ओवरहेड का और यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड का, टोटल 89,641 ए के लिए, वैसे ही बी के लिए, वैसे ही सी के लिए आ गया। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा, ग्रॉस मार्जिन जो था उसमें टोटल ओवरहेड का जो 89,641, तो 147,600 माइनस 89,641 ऐसे ही नेट प्रॉफिट आ जाएगा ए के लिए, वैसे सेम करेंगे तो बी के लिए, सी के लिए भी आ जाएगा। तो अपने यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है किस में हो रहा है, तो बी के लिए हो रहा है, तो बी में जो है रैंक वन कर देंगे, उसके बाद सी में प्रॉफिट हो रहा है तो सॉरी ए में हो रहा है तो ए के लिए रैंक टू कर देंगे, और फिर लास्ट में सी के लिए रैंक थ्री कर देंगे, और टोटल प्रॉफिट मेरा 145,830 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा कन्वेंशनल मेथड से अपने देख लिए सॉल्यूशन, नेट प्रॉफिट निकाल लिए। अब अपने एबीसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। नीचे अपने सॉल्यूशन देखते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट तो सबका सेम रह जाएगा, जैसे कि कन्वेंशनल वाला में था 25,000 यूनिट ए के लिए, बी के लिए 56,000, सी के लिए 27,000, और ग्रॉस मार्जिन स्टेटमेंट वन में निकाले ही थे जो अपने ऊपर लिए थे वो सेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्रोडक्शन ओवरहेड में चेंज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका बेसिस अलग हो गया। अब इसको एबीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके, क्योंकि अभी जो कन्वेंशनल वाले में थे अपने उसको नंबर ऑफ यूनिट को बेसिस मान के एलोकेट कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो आइए इसका देखते हैं कि 57,000 कैसे आया है। तो अपना सॉल्यूशन का सेकेंड पेज में जो बनाया हुआ है सॉल्यूशन स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन एंड सेलिंग ओवरहेड, ये एबीसी के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो अपने इंस्पेक्शन कॉस्ट सबसे पहले देखते हैं, तो 73,000 का टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट टोटल 73,000 का था। नंबर में दिया हुआ था कि एक प्रोडक्शन रन में कितना इंस्पेक्शन होगा, तो ए के लिए 3 होगा, बी के लिए 4 होगा, सी के लिए 4 होगा। तो इसको अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से इंटू कर देंगे तो टोटल इंस्पेक्शन नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आ जाएगा। तो ए के लिए तो अपने निकाले थे जो प्रोडक्शन रन 10 था, तो 3 × 10 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। 30 यहाँ पे आ गया, 80 यहाँ पे, 36 यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर इंस्पेक्शन रन पर इंस्पेक्शन आर पर रन कितना था 3, 4, 4, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन था 10 ए के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रन कितना था 10, 20, 9, 3 × 10, 30 आ गया, और 4 × 20 यहाँ पे 80 आ गया, और 4 × 9 यहाँ पे 36 आ गया। तो ये टोटल आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है 30, 80 और 36। ठीक है, इसको बेस मान लिए तीनों का ऐड करके और यहाँ पे एलोकेट कर दिए इस बेसिस पे, तो यहाँ पे 15,000, 40,000, 18,000 आ गया, टोटल 73,000। वैसे ही अपने यहाँ पे मशीन मेंटेनेंस देखते हैं, क्वेश्चन में टोटल मशीन मेंटेनेंस जो था 142,000 का था, मशीन मेंटेनेंस 142,000 का था, दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मशीन आर पर प्रोडक्शन रन 20, 12, 9, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ए के लिए था 10, तो 20 × 10 200 आ जाएगा, 200 आ गया, और नेक्स्ट वाले के लिए था 20 प्रोडक्शन रन, इसके लिए 20 था तो यहाँ पे 240, और इसके लिए 9 था, 9 × 3 = 27, 270, तो यहाँ पे 240, 270 और इसके बेसिस पे एलोकेट कर दिया 40,000, 48,000, 54,000, टोटल 142,000 आ गया। वैसे डाई कॉस्ट को भी एलोकेट कर दिए हैं, एक प्रोडक्शन रन में 200 लग रहा था तो 200 × 10 कर दिए तो यहाँ पे 2,000 आ जाएगा,
जैसा कि यहाँ पे 2000 आ गया वैसे 6000 और 2250 आ गया, टोटल 10250। ठीक है, तो ये मेरा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया स्टार्टिंग का 3 कॉस्ट। उसके बाद नीचे था कि सेलिंग ओवरहेड, तो जो पहला का था सेलिंग ओवरहेड 162000 का था, मैं से जो 83000 का क्वेश्चन में बोला हुआ था कि एडवर्टाइजमेंट होगा वो ए के लिए नहीं होगा सिर्फ बी एंड सी के लिए होगा, तो बी एंड सी का जो सेल्स का जो रेशियो है तो 56000 और 27000 यूनिट, उसके बेसिस पे अपने एलोकेट कर दिया 83000 को। वैसे ही जो 54 था स्पेशली बी के लिए इनकर हो रहा था पैकिंग के लिए, तो बी में आ गया, और जो रिमेनिंग जो था 162000 माइनस 83000 और 54000 25000 आएगा, और इसको क्या है कि अपने सेल्स वाले नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के बेसिस पे एलोकेट कर दिए, यहाँ पे 25:56:27 के रेशियो में, तो ये फिगर आ गया तीनों ए बी एंड सी के लिए। तो ये मेरा आ गया टोटल 5787 सेलिंग ओवरहेड, और ये तीनों को ऐड करके यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड बी के लिए, और वैसे ही ये दोनों को ऐड करके 33250 सी के लिए आ गया। तो टोटल मेरा यहाँ पे आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड जो अभी अपने वर्किंग किए थे उसमें से ए बी एन सी के लिए सेलिंग ओवरहेड आ गया ए बी एन सी के लिए। तो यहाँ पे अपने जो है इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देते तो मेरा टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गया 627857, और टोटल ग्रॉस मार्जिन में ये 627857 माइनस करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट है ए के लिए आ जाएगा। वैसे ही 278200 में माइनस करेंगे 216963, तो 61237 रुपये का बी में प्रॉफिट आ जाएगा और सी में लॉस आ जाएगा।